का दोस्तों, आप आज मैं आपको कुछ ऐसे लीडर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि काफी बड़े पदों पर थे लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों इसमें पहला नाम आता है मोहनदास करमचंद्र गांधी का, जो कि राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किए जाते थे। 1948 में नाथुराम गोडसे नामक एक वकील ने उनकी हत्या कर दी थी। वह उन्हें भारत के पार्टीशन के लिए जिम्मेदार समझता था। दोस्तों इसमें दूसरा नाम आता है प्रताप सिंह कैरवान का, जो 1965 में पंजाब के मुख्यमंत्री थे और उनकी व्यक्तिगत कारणों के वजह से हत्या हो गई थी। दोस्तों इसमें तीसरा नाम आता है बलवंत राय मेहता का, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी फाइटर प्लेन ने उनके विमान को शॉट डाउन कर दिया और जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों चौथा नाम इसमें आता है केबी सहाय का, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे। उनकी पार्टी के अपोजिट फैक्शंस के लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। दोस्तों इसमें पांचवा जो नाम है वो इंदिरा गांधी का है। 1984 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और खालिस्तानी समर्थित उनके बॉडीगार्ड्स ने ही इंदिरा गांधी की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। दोस्तों इसमें अगला नाम है राजीव गांधी जी का। राजीव गांधी जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, 1991 में लिट्टे समर्थित उग्रवादियों ने उनकी तमिलनाडु में हत्या कर दी थी और वे लोग भारतीय आर्मी के श्रीलंकन सिविल वॉर में हस्तक्षेप से नाराज थे। दोस्तों इसमें अगला नाम आता है बेअंत सिंह का, जिनकी 1995 में खालिस्तानी उग्रवादियों ने हत्या कर दी थी। दोस्तों प्रमोद महाजन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर थे और कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, उनकी 2006 में उनके बड़े भाई प्रवीण महाजन ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोस्तों ये कुछ बड़े लीडर्स थे देश के, जिनकी हत्या कर दी गई थी।